गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शेक्सपियर स्पोकन इंग्लिश। गाइस आज स्पोकन क्लास का 10वां दिन है और आज हम लोग शुड और मस्ट रिलेटेड कुछ यूज को पढ़ेंगे, जिसमें शुड और मस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको हमने 7वें क्लास में बताया था। शुड और मस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे शुड बी, मस्ट बी, शुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव बी, मस्ट हैव बी। इतना यूजेस को आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह दो यूजेस शुड और मस्ट हम लोग 7वें क्लास में पढ़ चुके हैं। गाइज आज का पहला और अपने स्पोकन क्लासेस के 28वें यूज को पढ़ते हैं। यह यूज ऑफ है शुड बी, शुड से संबंधित है, क्योंकि शुड हम लोग पढ़ चुके हैं और शुड बी है। शुड बी का हिंदी में नहीं होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। मतलब हिंदी का कोई सेंटेंस इंड करे होना चाहिए या बनना चाहिए, तो वहां पर हम शुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, राहुल को इस समय बस में होना चाहिए, बनना चाहिए से, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, उसे एक इंजीनियर बनना चाहिए। इस तरीके से हम लोग अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। बस कोई भी वाक्य जो इंड करे होना चाहिए या बनना चाहिए, तो होना चाहिए या बनना चाहिए फिर हम लिखते हैं शुड बी। बनाने का रूल सबसे पहला उसके बाद सबसे लास्ट में जाते हैं। दो नंबर होना चाहिए या बनना चाहिए, सबसे पहले सबसे पहला, उसके बाद सबसे लास्ट में दो नंबर, पीछे से आते हैं रिवर्स, तो स्वादिष्ट हो गया आपका 3 नंबर। इसको बनाते हैं सबसे पहला बनाने के बाद सबसे लास्ट में जाते हैं, तो इसमें होना चाहिए पीछे से रिवर्स में आते हैं, तो यह आपका 3 और यह आपका 4। सबसे पहला तुम है, दोनों में सबसे लास्ट में जाते हैं, बनना चाहिए पीछे से रिवर्स में आते हैं, तो क्या है आप एक डॉक्टर। अब हम इसे बनाते हैं। 1 नंबर खाना, खाना क्या होता है फूड, 1 के बाद 2 नंबर बनता है होना चाहिए, होना चाहिए या बनना चाहिए का होता है शुड बी। 1 बन गया, 1 के बाद 2 बन गया, 3 नंबर स्वादिष्ट का होता है टेस्टिंग, वह घर पर होना चाहिए, वह का होता है ही, 1 नंबर बन गया, 1 के बाद 2 नंबर होना चाहिए, होना चाहिए या बनना चाहिए का मीनिंग होता है शुड बी। मतलब कहीं भी आप होना चाहिए देखें तो उसके स्थान पर शुड बी लिखे, तो हम यहां होना चाहिए के लिए लिख दिए शुड बी। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर, पर का यहां पे होगा एट और घर का होगा होम, ही शुड बी एट होम। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, 1 नंबर तुम्हें का होगा यू, 2 नंबर बनना चाहिए, बनना चाहिए होना चाहिए होता शुड बी, तो हम लगा दें यहां पे शुड बी। एक डॉक्टर का होता है ए डॉक्टर, या यूज ऑफ शुड हैव, शुड हैव का अगर वर्ब हो तो वर्ब का 3रा रूप लगता है, और शुड हैव का हिंदी में होता चाहिए था। उदाहरण लेते हैं, जैसे तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, तुम्हें कार खरीदना चाहिए था, हम लोगों को मन से पढ़ना चाहिए था। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था हो तो वहां पर हम लोग शुड हैव लगाते हैं। बनाने का रूल सब कोई जानता है, 1 नंबर सबसे पहला सब्जेक्ट, 2 नंबर सबसे लास्ट चाहिए था, पीछे से रिवर्स आते हैं, या 3 नंबर और या 4 नंबर। पहले 1 नंबर बनता है, फिर सबसे लास्ट में जाते हैं, या 2 नंबर होता है, पीछे से रिवर्स आते हैं, 3 नंबर और या 4 नंबर। 1 नंबर तुम्हें का होता है यू, 2 नंबर चाहिए था, चाहिए था का इंग्लिश मीनिंग होता है शुड है, इसको रट ले आप लोग, कहीं भी हो चाहिए था तो उसको लिखेंगे शुड है, तो 2 नंबर चाहिए था का शब्द क्या लिखना है शुड है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जाना, शुड है का हमेशा वर्ब का 3रा रूप लगता है, तो जाना का होता है गो एंड गॉन, तो हो गया गॉन, दिल्ली का टू दिल्ली,
राम को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव को मैं एक दिन डीप में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको समझ ले कहीं भी निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले मान ले निगेटिव है ही नहीं, मान ले कि ये निगेटिव नहीं है, इसे अफर्मेटिव की तरह बना दे। तो अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे तो एक नंबर बनेगा राम, दो नंबर चाहिए था, या तीन नंबर, और या चार नंबर। तो एक नंबर राम का हो गया राम, दो नंबर चाहिए था का होता है सुड है, एक नंबर दो तीन, और फूल तोड़ना का होता है प्लग, तीसरा क्या प्लग है, फूल का होता है फ्लावर। याद आप लोग कर ले, हिंदी के किसी भी सेंटेंस में नहीं हो मतलब निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब में दो गो वर्ड हो, जैसे यहाँ पे सूड है, चाहे तीन गो वर्ड हो, तो केवल पहले के बाद लगता है। तो सूड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। और ये नॉट का यह रूल आप लोग याद कर ले, ऐसे में निगेटिव सेंटेंसेस को एक दिन डीप में पढ़ाऊंगा कि कोई भी वाक्य निगेटिव हो उसमें नॉट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक वर्ड हो, जैसे यहाँ पे सूड है, तो केवल पहले के जस्ट बाद नोट लगता है, केवल पहले के बाद लगता है। अगर हैव के बाद नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह भी यूज है सुड हैव का, लेकिन डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस अच्छा से समझेंगे। और इसके लास्ट में होना चाहिए है, हमने तुरंत पढ़ा है एक वाक्य जिसके लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन यहां होना चाहिए कि पहले पास होगा, और उसमें होना चाहिए कि पहले वर्ब हुआ करता था। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग घर पे ध्यान से पढ़ेंगे। तो यह भी इन करेगा होना चाहिए था लेकिन आगे पास होगा, मतलब हिंदी का वह वाक जो लास्ट में होना चाहिए हो और आगे पास हो उसके लिए भी लगाएंगे सुड है। लास्ट में होना चाहिए और आगे पास तो उसको लगाएंगे सुड है। तो और आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि पास वाले वाक को हम बताएं कि सीधा बनाते हैं, पास वाले वाक्य को हम सीधा बनाते हैं, एक नंबर पहला, दो नंबर दूसरा, तीन नंबर तीसरा, और पास में ही होना चाहिए आ गया। एक नंबर पहला, दो नंबर दूसरा, तीन नंबर तीसरा। तो एक नंबर उसके क्या होता है ही, दो नंबर पास, पास और लास्ट में होना चाहिए। तो आगे पास हो और लास्ट में होना चाहिए हो तो क्या होगा, उसका सूड है, सूड है। ध्यान रहे, आगे अगर पास नहीं हो तो होना चाहिए क्या होता है, सूड भी, आज आते आते पढ़ाया। लेकिन आगे पास हो और लास्ट में होना चाहिए हो तो पास का होगा सूड है, और पास नहीं हो तो होना चाहिए क्या होगा, सूड बी। और पास वाले वाक्य सीधे बनते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक नंबर पहला, दो नंबर दूसरा, तीन नंबर तीसरा। तो एक नंबर उसका का ही, दो नंबर पास का, लास्ट में होना चाहिए इसलिए क्या होगा, सूड है, और तीन नंबर ईमानदारी का ऑनेस्टी। एक नंबर पहला, दो नंबर दूसरा, तीन नंबर तीसरा, पास में ही आ जाएगा होना चाहिए, मोहन का होगा मोहन, और पास होना चाहिए, पास होना चाहिए कहोगा सुड है। एक नंबर बन गया, दो नंबर, तीन नंबर कार का ये कार। हाँ, यह यूज है सुड हैव बीन, सुड हैव बीन का हिंदी में होता होना चाहिए था, चाहिए के लास्ट में था जुट जाएगा, होना चाहिए था। बनाने का रूल सबको मालूम है, सबसे पहले सबसे पहला, दो नंबर सबसे लास्ट, होना चाहिए था दो नंबर, पीछे से रिवर्स में आते हैं। तो यहाँ पे मेरा दोस्त, दोनों को एक ही स्टेप में लेंगे क्योंकि मेरा एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होता है तो एक ही स्टेप में लेते हैं। एक दो क्लासेस के बाद एडजेक्टिव को मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आप लोग जान लें कि मेरा दोस्त को एक ही स्टेप में लेंगे। एक दो क्लासेस के बाद इसको एडजेक्टिव को मैं डीप में पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों मिलके एक ही स्टेप क्यों हुआ। फिलहाल मैं एक नंबर पहला, दो नंबर अंतिम, पीछे से आते हैं, तब मेरा दोस्त को एक ही स्टेप लेंगे क्योंकि मेरा एडजेक्टिव है
और दोस्त नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन होते एक ही स्टेप लेते हैं, एक दो क्लास के बाद बताऊंगा। एक बार विराट का होता है विराट, एक के बाद दो नंबर होना चाहिए था का होता है शुड हैव बीन। तीन नंबर मेरा दोस्त का माय फ्रेंड, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। एक नंबर पहला, दो नंबर होना चाहिए था, तीन नंबर में, चार नंबर स्कूल। तुम्हें क्या होता है यू, होना चाहिए था क्या होता है शुड हैव बीन। मैं क्या होता है इन, स्कूल क्या होता है स्कूल। दोस्तों अभी जो चार हमने यूजेस को पढ़ा उसी सब यूजेस में हमने अवस लगा दिया, तो उसी यूजेज में अवस लग जाए तो बस सूट के स्थान पे मस्ट आ जाएगा। जैसे अभी तुरंत हमने पढ़ा था खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, इसको हमने बनाया था फूड शुड बी टेस्टी। तुरंत हमने पढ़ा था खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, बनाया था फूड शुड बी टेस्टी। लेकिन इसमें अगर अवस जुट जाए तो बस शुड के स्थान पे शुड को मिटा दे रहे हैं और इसके स्थान पे मस्ट लिख देंगे बस। तो बनेगा वैसे ही अगर अवस लग जाए तो बस शुड के स्थान पे मस्ट हो जाएगा। उसी तरह हमने तुरंत इसको पढ़ा था उसे दिल्ली जाना चाहिए था, हमने इसको शुड प्लस भीतरी से तुरंत बनाया है, बना रहा हूं ही शुड है गॉन टू दिल्ली। लेकिन अगर इसमें वस लग गया है तो वस लग गया तो केवल शुड के स्थान पे मस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मस्ट। तो यहां पे शुड के स्थान पे क्या लिखना है मस्ट, बस यूज वही है केवल शुड के स्थान पे मस्ट हो जाएगा कब, जब वाक्य में अवश्य आ जाएगा तब, अवश्य नहीं रहेगा तो शुड, अवश्य लग गया तो मस्ट। उसके पास है घर, अवश्य होना चाहिए, सॉरी मेरे पास, यहां पे अवश्य लगा है तो शुड के स्थान पे क्या हो जाएगा मस्ट।